डॉक्टर इंद्रजीत यादव भी बहुत चुकी हमारे बीच में और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम भारी समर्थन जो है वो लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है, भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप सब? देख सकते हैं लोगों का प्यार है, समर्थन है। 2020 में ये सफर शुरू हुआ था और यहाँ तक ले जाने वाली ये जनता ही है और पूरा और प्यार और पूरा समर्थन इनका है और आगे भी रहेगा। बहुत कम देखने को मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम में महिला हो और भारी संख्या में महिला यहाँ पर पहुंची हैं। महिलाओं के लिए क्या विजन है डॉक्टर इंद्रजीत का? महिलाएं कुछ तो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, कुछ बहन मानती हैं और ये कोई इलेक्शंस के वजह से यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ये एक भाईचारे के लिए, प्यार के, सौहार्द के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जनता से? लोग इंतजार भी कर रहे हैं आपके संबोधन का कि जब आप स्पीच देंगी क्या कुछ उनसे बातें करेंगी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि 2020 में सफर की शुरुआत हुई थी सबके साथ और आशीर्वाद से, अब सफर जो है वो मंजिल की तरफ अग्रसर है, मंजिल नजदीक है, इरादे नेक हैं और परचम सक्षम है और सबका साथ और आशीर्वाद साथ है, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे सबके साथ और आशीर्वाद से। बिल्कुल कंचन, देखिए मंजिल नजदीक है ये कहते हुए नजर आई डॉक्टर इंद्रजीत यादव और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो प्यार आज महिलाओं ने दिया है वो प्यार सिर्फ एक कार्यक्रम के लेकर नहीं है, चुनाव को लेकर नहीं है। महिलाएं, कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपनी बेटी मानती हैं और जो बाकी महिलाएं हैं वो अपनी दोस्त मानती हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला जो है वो पहुंची हुई है।